आरएसएस के अनुषंगिक संगठन सहकार भारती के जिला सम्मेलन और कार्यकारिणी गठन को लेकर बैठक का आयोजन हुआ और बैठक नगरपालिका कार्यालय के मीटिंग हॉल में रखी गई थी, जिसमें संगठन के प्रदेश महामंत्री योगेंद्र सिंह, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश रत्न पार की साथ में पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र भावसार, हीरा जाधव भी शामिल हुए। नगरपालिका मीटिंग हॉल में सहकार भारती कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री ने युवाओं को सहकारिता से जोड़कर उनको रोजगार के अवसर मुहैया करवाने हैं और साथ ही में दूसरी ओर लखनऊ में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के पूर्व प्रदेश के संगठनात्मक ढांचे को अंतिम रूप देना है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि उनके कार्यकाल में किसानों को लाभ प्रदान करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने 2,100 करोड़ का लोन बांटने की जानकारी दी। आज मध्य प्रदेश सहकार भारती के गठन को लेकर जो जिला सम्मेलन होना है वो पूरे प्रदेश में एक हमारा संगठन का विस्तार चल रहा है, उस उद्देश्य में आज मालवा प्रांत के जिला बड़वानी की आज ये सहकार भारती के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में आदरणीय प्रकाश जी रत्न पारखी जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जो पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के चेयरमैन रहे हैं, हमारे वरिष्ठ कॉपरेटर हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है इस बैठक में। और हमारे सहकार भारती के सभी कार्यकर्ताओं ने आज ऐसा डिसाइड किया है कि हम आने वाले समय में 15 दिसंबर के पूर्व, क्योंकि 16, 17, 18 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में आयोजित है, जिसमें आदरणीय अमित भाई शाह और योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा हमारा सम्मेलन और हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके पूर्व हमें पूरे मध्य प्रदेश में जिला कार्यकारिणी का गठन करना है। वो सम्मेलन के रूप में होगा, उस सम्मेलन में ही निर्वाचन होगा अध्यक्ष महामंत्री का और कार्यकारिणी गठित की जाएगी। तो उस उद्देश्य में आज एक बड़वानी जिले की बैठक रखी गई थी, इसलिए आज इस सहकार भारती का बैठक का आयोजन किया गया। सहकार भारती का मूल काम क्या है? इस सहकार भारती का मूल काम ये है कि हम राष्ट्रीय सेवक संघ के एक अनुसारी संगठन है और सहकार भारती अंतिम व्यक्ति पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो सके, कैसे हो पाएगा, उस बात की चिंता करती है। कॉपरेटिव क्षेत्र में वृद्धि, शुद्धि, समृद्धि कैसे इस समाज के सरोकार में होगी, उस बात की चिंता करती है। सहकार भारती के माध्यम से जो विसंगतियाँ कॉपरेटिव क्षेत्र में आई है पुराने समय में, उनको दूर करने का काम सहकार भारती करती है। आज राष्ट्र में जो सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है वो भी सहकार भारती के कारण ही, सहकार भारती पुष्कर के अधिवेशन में ऐसा तय हुआ था। प्रकाश रत्न पारखी, मूलतः खरगोन का निवासी हूँ और पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष। सहकार भारती की बड़वानी जिले की जिला बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय योगेन जी उज्जैन से हमारे बीच उपस्थित हुए और योगेन जी ने सहकार भारती की मूल धारणा को हम सब कार्यकर्ताओं के बीच रखा और दो बातों का आज संकल्प हुआ। एक तो 15 तारीख के पूर्व बड़वानी जिले का सहकार भारती का अधिवेशन होगा और दूसरा उस अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो हो रहा है उसमें जाने वाले 7 लोगों के जो नाम तय करना है वो तय किए जाएंगे ऐसा। और सहकार भारती की जिले की इकाई का, सशक्त इकाई का गठन भी उस सम्मेलन में किया जाएगा। इन 3 बातों को लेकर के आज की बैठक थी। वॉइस ऑफ राइट्स के बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।